हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं हूं इस टाइम वृंदावन में और सुबह हमने कवर किया था बांके बिहारी जी मंदिर, फिर हम निधिवन गए थे, यमुना तट भी गए थे और राधा रमन मंदिर भी गए थे, और शाम को जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं करूँगा कवर इस्कॉन मंदिर। दोस्तों, जो इस्कॉन मंदिर है वो प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आप एक टाइम पे भी दोनों कवर कर सकते हो। एक डेढ़ घंटा आप शाम को प्रेम मंदिर में जा सकते हैं और उसके बाद इस्कॉन मंदिर में। पर दोस्तों, मुझे व्लॉग करना था इसलिए मैं दोनों को अलग अलग कवर कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा दे सकूँ, इन्फॉर्मेटिव बना सकूँ व्लॉग को। चलिए, फिर 4:30 हो चुके हैं, अब 4 बजे वैसे आरती होती है, वो उसका टाइम तो निकल चुका है, अब 4:30 हो चुके हैं, पहुंचते हैं फटाफट इस्कॉन मंदिर और बाकी की बातें वहां जाके कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, 4:30 बजने में सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं और प्रेम मंदिर खुलने वाला है। 4:30 बजे शाम को ओपन होता है और भीड़ देखिए मंदिर के बाहर अभी से लगनी शुरू हो चुकी है। इस मंदिर का व्यू भी दोस्तों बहुत ही अद्भुत है, जरूर आइएगा जब भी आप यहाँ पे जाएंगे। और शाम के टाइम पे जब फाउंटेन शो होता है तो तब इतनी भीड़ हो जाती है, तब ज़्यादा मज़ा है इसको देखने का। हमें जाना है प्रेम मंदिर से बिल्कुल आगे, थोड़ा ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है इस्कॉन मंदिर। दोस्तों, तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं इस्कॉन टेंपल के अंदर और ये देखिए दोस्तों, यहां पे टाइमिंग्स लिखी हुई है और यहां पे आपको शूज़ और चप्पल अपनी जमा करवानी पड़ेगी, ये आपको टोकन दे देंगे और ये आप टाइमिंग पढ़ सकते हैं इसकी पॉज करके। समर्स की टाइमिंग अलग है दोस्तों, विंटर्स की अलग है। और सामने देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल बुक शॉप, अगर आपने बुक्स वगैरह लेनी है तो ले सकते हैं। और अब हम और अंदर चलते हैं और प्रसाद की शॉप्स भी है, देखिए दोस्तों, गोविंदा प्रसाद, कृष्ण बलराम गिफ्ट शॉप और इधर प्रसाद की शॉप्स है, तो आपने अगर प्रसाद चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, ये है दोस्तों अद्भुत नज़ारा इस्कॉन मंदिर का, राधे राधे। इधर से जाने के लिए देखिए रास्ता है मंदिर का, लेकिन सबसे पहले हम ये कवर करेंगे इधर। ये है दोस्तों समाधि मंदिर स्वामी प्रभुपादा की, जिन्होंने इस्कॉन को पूरी दुनिया में फैलाया, प्रचार किया और आज देखिए इस्कॉन कहाँ तक है, फॉरेन तक फैल चुका है और यहाँ पे समाधि बनी हुई है। देखिए, ये है समाधि प्रभुपादा जी की और अब हम चलते हैं इधर। और ये डिज़ाइन देखिए दोस्तों, इधर कितना ज़्यादा बढ़िया। और ये देखिए प्रभुपादा जी प्रचार करते हुए, हरे रामा हरे कृष्णा जी का इनका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इस्कॉन को इतना स्प्रेड करने के लिए। तो इधर है दोस्तों श्रीला प्रभुपादा म्यूजियम, सामने उनकी समाधि थी और इधर म्यूजियम बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ बना हुआ है। ये इधर नारायण जी हैं शायद। और इधर देखिए दोस्तों, प्रभुपादा जी प्रचार करते हुए, हरे रामा हरे कृष्णा जी का। और ये देखिए, आज पूरी दुनिया में फैला दिया इन्होंने, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन भी पूरी दुनिया में अब फैल चुका है, काफ़ी फॉरनर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा दिखा रखी है, आप ये देख सकते हैं जो जो भी इधर दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, इधर जो हमारा पूरा जीवन काल है वो दिखाया हुआ है, एक तरह से चेंजिंग बॉडीज, आत्मा का प्रवास, और यहाँ पर आपके कर्म, अपने कर्म को बदलिए, कर्मा के बारे में लिखा हुआ है, और अंत में ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाना है, तो ये चीज़ दिखाई हुई है। देखिए एक ही पिक्चर में कितना कुछ बयान कर देता है, तो किस बात का गरूर है जब एक दिन मिट्टी होना है। तो हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं आ चुका हूँ बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है और लोग झूमते हैं यहाँ पे, नृत्य करते हैं, आपने इंस्टा रील्स वगैरह पे देखा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ ना आए तो मैनेज कर लेना, आप ये कीर्तन सुनिए।
हाँ जी दोस्तों, तो इधर हो रहा है हरी नाम कीर्तन। मैं बस शूट कर ही जा रहा हूँ। कसम से दोस्तों, इतना ज़्यादा मज़ा आनंद आ रहा है ना, मतलब मैं भूल चुका हूँ मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस देख ही जा रहा हूँ। मतलब दोस्तों, मेरी इमेजिनेशन एक अलग ही लेवल पे पहुँच चुकी है। बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। और ये देखिए, ये है अंदर का नज़ारा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ दीवारों पे भी श्री कृष्ण जी की पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। और यहाँ पे बुक स्टॉल भी है, अगर आपने कोई बुक वगैरह ख़रीदनी है तो ख़रीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अद्भुत नज़ारा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। और मैं चाहता हूँ ठाकुर जी मेरे को जल्दी फिर से बुलाएं यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ इस्कॉन मंदिर के। और इधर आपको प्रसाद मिलता है, खिचड़ी की सेवा, तो प्रसाद बोलते हैं इसको। जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर खाना, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, तो ज़रूर यहाँ से खा के जाना। अब मैं दोस्तों एग्जिट करने लगा हूँ यहाँ से। अभी एक और जगह मैं जा रहा हूँ, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इस्कॉन मंदिर के बाद अब मैं आया हूँ राधा वल्लभ जी मंदिर। ये बांके बिहारी मंदिर जी के पास ही पड़ता है। सुबह मैं इसको कवर करना भूल गया, अभी मुझे किसी ने बताया, तो मैं आ गया आप सबके लिए कवर करने। हाँ जी दोस्तों, तो ये है श्री राधा वल्लभ जी मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये भी वृंदावन का। सुबह हम नहीं कवर कर पाए थे, इसलिए मैं अभी आ गया कवर करने। जी फ्रेंड्स, तो मैं अब वापस आ चुका हूँ इस्कॉन टेंपल से। दोस्तों, इस्कॉन मंदिर मैं पहली बार गया था, वृंदावन भी मैं पहली बार आया हूँ। और वहाँ की दोस्तों वाइब्स इतनी ज़्यादा मस्त थी, मतलब वापस आने का दिल नहीं कर रहा था दोस्तों। इतना नृत्य किया ना, पैर दुखने लग गए दोस्तों आज, इतना डांस किया। बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे दोस्तों। इस्कॉन मंदिर के जो विजुअल्स थे, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। प्रेम मंदिर भी सुंदर है, इस्कॉन मंदिर भी सुंदर है। और वहाँ पे जो हरी नाम कीर्तन करते हैं दोस्तों लोग, बहुत ही मतलब एक अलग ही सुकून शांति मिलती है मन को। फॉरनर्स भी बहुत मिलेंगे आपको इस मंदिर में। एक टाइम के लिए तो दोस्तों मैं सच में भूल ही गया था कि मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। मैंने बस फोन अपनी जेब में रखा और डांस करने लग गया, इसलिए ये ब्लॉग भी छोटा सा ही बना है। लेकिन आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। यहाँ पे आके तो दोस्तों बस मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मोह माया से दूर आ गए हैं हम। शांति मिल रही है मन को, एक अलग ही कॉन्फिडेंस सा आ रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं मुझे यहाँ पे, जो मुझे करना था। और मैं यहाँ पे सवालों के जवाब ही लेने आया था ऑनेस्टली, और वो मुझे मिल चुके हैं। बाकी दोस्तों, कल अब सुबह मैं जाऊँगा, वैष्णो देवी धाम मंदिर है यहाँ पे वृंदावन में ही, वहाँ दर्शन करेंगे। और वो आखिरी ब्लॉग होगा इस टूर का। दोस्तों टाइम कम है और मुझे आगरा के लिए भी निकलना है कल, एक दिन ही है मेरे पास। तो ताजमहल और आगरा फोर्ट दोनों मुझे कवर करने हैं। लेकिन एक बात है दोस्तों, यहाँ पे फिर से मैं जल्दी जरूर आऊँगा। और स्टार्टिंग अगली बार हम मथुरा से करेंगे, बरसाने से ही करेंगे। वहां पे राधा रानी जी का मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, वो मैं अगली बार कवर जरूर करूंगा। ये ब्लॉग दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना और चैनल को भी कर लेना दोस्तों सब्सक्राइब। ये ब्लॉग को दोस्तों हम अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड स्टे सेफ।